अभी से रेस के लिए तैयार और यहाँ पे फिर से बाल को उठाया, यहाँ पर क्रॉस किया है बाल को, यही आपके प्राप्त करवाएंगे देखना होगा। माँ जो वहाँ पर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे जिसके ऊपर किया गया प्रहार बिल्कुल सफल नजर आया। फिलहाल हम वहीं पर आजमगढ़ का पॉइंट 2 अंकों के साथ जा पहुंचे हैं 10 पे। बढ़िया जितना चल रही है माँ जो आप मौजूद है, माँ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं, उनको फिर पाना आसान नहीं होगा। हर एक खिलाड़ियों के जितने भी बार प्रयास किया है खिलाड़ियों के लिए जितने भी हर प्रयास किए गए हैं नाकामी हाथ लगी है कमांडिंग के खिलाड़ियों को। माज ने कोशिश की दीवार को रोकने के लिए इस बार तो सफलता मिली है कमांडिंग को। फाइट के साथ ही कमांडिंग 5 और 8 रन का फाइन इस समय 11। तो ये है इंटरेस्टिंग और रोचक मुकाबला दोनों टीमों के बीच। अभी सर्विस किया था लेकिन इतना बर्दाश्त नहीं कर पाए जिसकी वजह से मैच जो मिल सकता था आजमगढ़ की टीम को वो मिल गया कमांडिंग की टीम को। इसके साथ ही कमांडिंग और आजमगढ़ की 11 ये सर्विस बढ़िया थी। ये स्मार्ट तो कुशलता का प्रयोग करते हुए अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है 2 नंबर के खिलाड़ी ने और इस मिले पॉइंट के साथ ही आजमगढ़ 12 पॉइंट है कमांडिंग का, यानी कमांडिंग को इस सेट को जीतने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे, अच्छी कोशिश करनी होगी। एक ये पॉइंट फिर से आजमगढ़ के खाते में इस पॉइंट के साथ ही आजमगढ़ अब 13 पॉइंट पे जा पहुंची है। वहीं पर कमांडिंग को आप देख सकते हैं लगभग 7 अंक पीछे समय कमांडिंग के लिए, यहाँ फायदा जरूर मिलेगा इस खिलाड़ी को 11 नंबर के खिलाड़ी यानी कमांडिंग के खिलाड़ी को। इस मिले पॉइंट के साथ ही कमांडिंग 7 आजमगढ़ 13। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है बहुत ही रोचक और रोमांचक है क्योंकि टीम ये पेंशन है और आजमगढ़ ने दरबार टीमों ने बताया सही डालर की टीम है, दरबार की टीम बेहद मजबूत बताई जाती है। आज ये उसका मुकाबला होगा टीम ये पेंशन के साथ, ये जाएगा दरबार टीम ये पेंशन की बीच अगला मुकाबला होगा। यहाँ पे ये नॉट का फायदा लेने में कामयाब हो गए हैं माज अपने साथियों से हाथ मिलाते हुए फाइट के बाद। आजमगढ़ 14-8 कमांडिंग को आप माज को देख सकते हैं इस समय बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले नहीं कर रहे हैं इन्वेस्ट करने वाला, हालांकि फाइट जरूर दिला रहे हैं जहाँ पे खड़े हैं वो, लेकिन दर्शकों को मेन रोल निभाते हुए देखना चाहते हैं इन्वेस्ट करते हुए ज्यादातर। ये देखिए बेहतरीन तरीके से ढाल के रूप में अपने दोनों हाथों को लगा के खड़े थे लेकिन सफलता मिली है कमांडिंग की टीम को। इस पॉइंट के साथ ही कमांडिंग 9 आजमगढ़ का पॉइंट इस समय है 14। ये है मुकाबला जो चल रहा है दोनों टीमों के बीच ये सर्विस और बढ़िया तरीके से करने की कोशिश और यहाँ पे पॉइंट जो मिला है फिर से कमांडिंग की टीम को और इसके साथ ही कमांडिंग का पॉइंट क्या पहुंचा है 10 पे 14 पॉइंट इस समय आजमगढ़ का। यही है अच्छा मुकाबला, सारे दर्शक मौजूद है इस मुकाबले को देखने के लिए। आज शनिवार है और 20 नवंबर है और इस शनिवार होता हुआ बड़ा मुकाबला फिर से और ये देखिए माल पर झपट्टा लगाते हुए जबरदस्त प्रहार किया था लेकिन सफलता मिली है टोबे को और ये फाइट आजमगढ़ को। इसलिए आप देखिए मजा लीजिए, जरूर दिक्कत नहीं होगी ठंडे की वजह से आपको। और हामिद अंसारी हामिद करजई ये तमाम महत्वपूर्ण नाम है, एक फिलीपींस के राष्ट्रपति और दूसरे भारत के उपराष्ट्रपति बिल्कुल ये नाम है इनके। और इसी बीच हामिद और अच्छा दूसरे सर्विस करने वाले हामिद नहीं हुआ 16 पॉइंट आजमगढ़ 12 पॉइंट कमांडिंग
और आज हमारे बीच आप देख सकते हैं यहाँ के हमारे नेता जिला पंचायत पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी हमारे बीच में आप मौजूद हैं जगत पटेल जी, समय दे रहे हैं लगातार अपने यहाँ पे और आसमगढ़ का पानी समय जब हो जाए 17 में18 है इस समय कमाने के भाई। ये है मेरी मुकाबला जो जारी है मैदान पे आप देख सकते हैं सर्विस करने वाले ईशान है ईशान तैयार है सर्विस करने वाले खिलाड़ी है ईशान और यहाँ वीरेंद्र को पॉइंट लेने में कामयाबी हासिल कर लिया है इसके साथ ही गमाती नंबर 14 पे जब पहुंची आसमगढ़ का पॉइंट इस समय 18 ये है लेखा जो है स्कोर दोनों ही टीमों का खूबसूरत ये नजारा ये मुकाबला 14 को मैदान पे 14 गमाती आसमगढ़ 18 ये सर्विस और इस समय रविंद्र रिसीव देखने को मिला है लेकिन भरपूर तरीके से आई बात इससे पॉइंट मिलेगा समाजी को 15 और आजमगढ़ का पॉइंट 18 होना है दरबार आजमगढ़ ये सर्विस अच्छा रिसीव इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है जाएगा दरबार आजमगढ़ की टीम और वहीं पर सीरियम में सामने सामने होंगे इसके बाद अवसर हाथ से चला गया और फायदा मिल गया कमाटी के लिए वो एक हल्के के रूप में माइंड के साथ ही कमाटी यानी चौके की बेहतरीन सर्विस और अंक लेने में सफलता प्राप्त कर लिया है इसके साथ ही कमाटी 19 और आजमगढ़ का पॉइंट इस समय वोट के 22 चौके तैयार है सर्विस के साथ हिमांशु चौबे का पूरा नाम है हिमांशु चौबे
बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। और उधर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पखवाड़े भर से चल रहा आरा में शांति कप क्रिकेट टूर्नामेंट के कल रंगारंग कार्यक्रम के दौरान समापन होगा। अगले सर्विस के साथ तैयार यहाँ पे एक और पॉइंट जरूर मेरे कटने के खाते में। अब वो पॉइंट जा पहुंचे इससे शांति कमा के 20 और वही पटे पॉइंट है आजमगढ़ का। अगले सर्विस को लेकर तैयार अगर बात करें तो वॉलीबॉल खेलते हो दरबार क्रिकेट में वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। फाइनल में टीम ने अपने नाम किया।